जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th की जो मैथ में अध्ययन कर रहे हैं, इसमें आपको बताते हैं हम लोग चित्रा बुक से अध्ययन कर रहे हैं, यानी जिसके राइटर है अजय कुमार अग्रवाल जी। दोस्तों इस बुक से हम लोगों ने काफ़ी सारा अध्ययन कर लिया एक्सरसाइज को। आज दोस्तों हम लोग जो है इस वीडियो में 2.3 को स्टार्ट करने वाले। दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें, अगर आप लोग चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि इसके बाद जब आप लोग क्वेश्चन को एक्सरसाइज को ढूंढते हो आपको नहीं मिलता है, क्योंकि सब्सक्राइब ना होने की वजह से YouTube आपको रिकमेंडेड नहीं करता है। तो सब्सक्राइब करने कैसे, जो रेड में लिखा है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी कुछ भी आपको परेशानी होगी, आप हमें शेयर कर सकते हो, तो उसको मैं आपको प्रोवाइड करवा भी सकता हूँ, ठीक है। आपको कोई परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए ही देखना है, स्किप करते हो तो कुछ पॉइंट छूट जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। लास्ट में हम कुछ क्लू बताते हैं, कुछ बच्चे लास्ट में नहीं देखते हैं और छोड़ देते हैं, वो जो हम क्लू बताते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या करने वाले हो, तो हम लास्ट बताते हैं, लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आज पढ़ेंगे 2.3, इसमें प्रांत परिसर के बारे में आपको जानेंगे। प्रांत जैसे आप लोग हाई स्कूल पढ़ते थे भुज और कोटि, तो इधर यक्स वाला मान होता है, इधर वाई वाला मान होता है, इसको कहते थे हम लोग भुज कहते थे, इसी को हम लोग आज इस लेसन में प्रांत कहेंगे। इसको कोटि कहते थे, इसको आज हम लोग इस लेसन में परिसर कहेंगे, प्रांत परिसर। इसको डोमेन अंग्रेजी में कहते हैं, इसको रेंज कहते हैं, ठीक। तो प्रांत और परिसर, इधर वाले मान को प्रांत, उधर वाले मान को परिसर कहते हैं। अब समझना प्रांत के, अभी आपको हम लोग सयप्रांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्रांत जो प्रांत वही लगभग सयप्रांत ही होता है। अब समझना क्वेश्चन में पहला, माना आर प्राकृतिक संख्याओं, पता तो है हम लोगों ने 1.1 पढ़ के रखा है, प्राकृतिक संख्याओं यानी आर को कब दर्शाते हैं और एन को कब दर्शाते हैं, सब बता दिया था। वास्तविक के लिए आप लोग क्या दर्शाओगे पता तो है, नंबर के लिए, संख्या के लिए एन, वास्तविक के लिए आप लोग आर दर्शाओगे। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय यानी एन के लिए संबंध आर बराबर, क्वेश्चन नंबर पहला, आर बराबर मीडियन ब्रैकेट यक्स कॉमा यक्स सच दैट टू यक्स, इसके बाद यक्स वाई बिलोंग्स टू एन, यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स एन, यानी यक्स और वाई दोनों ही किससे संबंधित है, एन से। क्या आर एन में, एन से एन एक फलन है, यदि हाँ तो आर का प्रांत सयप्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो हमें ये फलन है कि नहीं है, फलन ज्ञात करने के लिए ध्यान रखना, फलन के लिए दो नियम आपको याद रखना है। नियम नंबर एक, प्रांत का सभी अवयव यानी प्रांत का प्रतिबिंब परिसर में होना चाहिए, प्रांत का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, ये आप लोग दो चीज याद रखना। जैसे मान लो कि यहां पर ये हमारे पास यक्स और वाई है और इधर है एक दो है, तो अगर ये इससे मिला है और ये इससे मिला है, ठीक है, और मान लो कि ये इससे मिला है, तो ये आपका फलन नहीं है। फलन क्यों नहीं है, एक अवयव किसी दो अवयव से नहीं मिलना चाहिए, जैसे इधर यक्स है इधर वाई है और इधर एक दो है और केवल ये इससे मिला है और ये खाली है, मान लो इसमें केवल एक ही है, ठीक, तो ये इससे मिला ये खाली है, तो ये भी आपका फलन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये भी फलन आपका नहीं है, ठीक। ये दो पॉइंट कंडीशन ध्यान रखना कि इधर का अवयव खाली नहीं होना चाहिए, इधर का कोई एक अवयव इधर के दो अवयव से नहीं मिलना चाहिए। अब समझना, तो यहाँ पर आप लोग यन बराबर जानते हो, यन बराबर हम लोग लेते हैं एक लेते हैं दो लेते हैं तीन लेते हैं चार लेते हैं, मनपसंद आपके जो है वो ले लेना। यहाँ पर 2x तो लिखा हमने, 2x किसके बराबर है, y बराबर 2x है यहाँ पर, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, y बराबर 2x है, y बराबर, जब y बराबर 2x है तो मतलब अगर आप लोग x का मान मान लो एक लेते हो दो लेते हो तीन लेते हो, ठीक, क्योंकि दोनों ही बिलोंग्स n है, दोनों ही n से संबंधित है, n के मान दोनों में लिख सकते हो, तो y बराबर 2 × 1 तो अर्थात कितना हो जाएगा 2। अगर आप लोग n का मान 2 लेते हो तो 2 × 2 अर्थात n का मतलब x1 2 लेते हो तो 4, अगर आप लोग
इसका मान तीन लेते हो तो इसका मान x का मान तो 2 × 3 अर्थात 6, इसे आप लोग आगे ले सकते हो। तो आप लोग देख पा रहे हो तीन मानों के लिए जैसे आप लोगों ने मानो तीन ही मान लिया, आप लोगों ने x में पहले 1, 2, 3 लिया, तो 1, 2, 3 लिया, तो हमारे पास y का मान इधर वाले मान को प्रांत, इधर वाले को मान को परिसर कहते हैं, तो y का मान हमारे पास क्या आया 2, 4, 6, तो 1 पर 2 आया, 2 पर 4 आया, 3 पर 6 आया, तो क्या यह फलन है? तो ये फलन है, इसका सभी अभी उसके प्रतिबिंब है, इसका यह प्रतिबिंब है, मतलब इसका सभी अभी उसके सभी अभी से संबंधित है, तो ये फलन है, तो हम लोग कहेंगे फलन है, क्यों है? सभी प्रतिबिंब है, इसका सभी प्रतिबिंब उधर वाले में है। अब इन्होंने ये कहा है प्रांत सह प्रांत और क्या पूछ रहा है हमसे, परिसर ज्ञात कीजिए। देखो प्रांत क्या है, प्रांत तो हम लोग कहेंगे प्रांत हमारे पास यन है, यन का मतलब 1, 2, 3, तो सह प्रांत भी हमारे पास क्या है, सह प्रांत भी यन है, यन का सह प्रांत का यन का प्रांत सह प्रांत वही होता है, सेम होता ही है। और परिसर ध्यान देना, परिसर जो है वो प्रांत का दुगुना है, तो सभी में दुगुना है, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे, तो हम लोग कहेंगे परिसर 2n है, ठीक है, प्रांत n, सह प्रांत n और परिसर हमारे पास 2n। आया मजा, इतने का शॉर्ट कर लीजिए, फटाफट शॉर्ट करते रहिएगा, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, समुच्चय x बराबर ए बी सी डी जो कि आपके पास दिया है, ए बी सी डी, इसके बाद निम्नलिखित में कौन कौन x में फलन है कारण बताइए, x में फलन है r1 r2 दिया गया है। देखो अगर इसको हम लोग प्रांत और परिसर में बनाएंगे तो बी ए सी ए, अब ध्यान देना, तो इसमें लिखेंगे हम लोग ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, तो ए है, बी है और सी है, इसमें क्या है ए बी सी, तो इसमें भी लिखेंगे हम लोग ए बी सी, इधर बी मिल रहा है ए से, बी मिल रहा है ए से, ए मिल रहा है बी से, ए मिला बी से, सी मिला डी से, इधर डी है, इधर डी भी है, तो सी मिला डी से, ए मिला सी से, ए मिला सी से, ये फलन नहीं है, पहला वाला हमारे पास फलन नहीं है। क्यों फलन नहीं है? इसका एक अवयव इसके दो अवयव से जाकर मिल रहा है, फलन नहीं है। इसको देखो, जब इसको देखेंगे ए डी बी सी, तो हम लिखेंगे ए बी सी डी, ठीक, डी सी बी सी, डी सी बी सी यानी बी सी डी, ये तीन अवयव है इसमें, ए मिल रहा है डी से, ए मिल रहा है डी से, डी मिल रहा है सी से, डी मिला सी से, बी मिला बी से, बी मिला बी से, सी मिला सी से, सी मिला सी से, क्या इसमें ये फलन है? ये फलन है, इसका एक अवयव इसके कोई दो अवयव से नहीं होना चाहिए, इसके दो अवयव इससे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये फलन है। फलन क्यों है? इसका एक भी अवयव खाली नहीं है और इसका सभी अवयव इसके अवयव का प्रतिबिंब है, ठीक, ये मत देखना, अगर इधर से देखोगे तो फलन नहीं है, इधर से देखोगे तो फलन है, तो हम लोग कहेंगे फलन है, फलन नहीं है, तुम्हारे पास ये फलन है और ये फलन नहीं है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, स्क्रीन शॉट, बुक कॉपी पेन सब लेकर बैठिए, तभी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आने वाला है, ले कर दिया इतने को भी रेस, क्योंकि इतना तो हमने पढ़ लिया है, तो इतना हमारे बस क्या है, पढ़ लिया है। तीसरा, x बराबर हमारे पास दिया है जो कि नोट है, y बराबर दिया है जो कि नोट है, तो ज्ञात कीजिए कि समुच्चय फलन x और y पर फलन है, अब देखो फलन है कि नहीं है। सबसे पहले ये हमारे पास दिया गया है, सबसे पहले ये तो दिया गया है, देखो इसको देखो, पहले x belongs n, y belongs n, x y दोनों belongs n है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग r1 को,
तो बॉय बराबर अगर हम लोग एक लेते हैं, क्योंकि एन का मान हम लोग जानते ही है, एन का मान होता है एक दो तीन डॉट डॉट, एक लेते हैं तो ये जगह एक प्लस दो अर्थात तीन। अगर हम लोग दो लेते हैं तो दो प्लस दो अर्थात चार। अगर हम लोग तीन लेते हैं, क्या लेते हैं तीन, तो तीन अगर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तीन प्लस तीन बराबर छह। एक चीज यहां पर समझना आप लोग, एक चीज आपको यह समझना है कि यहां पर बिलोंग्स में ये कहा था कि x बिलोंग्स x, यहां पर n नहीं है, यहां पर n नहीं है, x है और यहां पर y है, n नहीं है, n के लिए तो ये हमारे पास तो x बिलोंग्स x और x बिलोंग y, यानी x बिलोंग x और x बिलोंग y। अब एक चीज ध्यान देना, तो n नहीं है तो फिर ये मान नहीं लेंगे हम लोग, तो फिर ये मान नहीं लेंगे। तो ये मान किसके लिए था, ये मान n के लिए था। यहां पर समझना आप लोग थोड़ा सा, जो स्मॉल x है, ये जो x है ये इस x का मान है, ये जो y है इस y से संबंधित है। अब समझना, तो y बराबर हमारे पास क्या निकलेगा, y बराबर x का मान अगर एक लोगे तो दो प्लस तीन, तो y का मान क्या हो गया तीन, y का मान क्या हो गया तीन। समझना, समझते जाना, अगर दो लोगे, दो लेने पर दो दो चार, समझना आप लोग, अगर तीन लोगे तो y का मान तीन दो पांच, अगर चार लोगे तो y का मान चार दो छः, और अगर पांच लोगे तो y का मान हो जाएगा आपके पास सात। क्या इससे संबंध है, देखो जरा, समझना, इसमें एक कहीं पर भी एक नहीं है, हटाओ इसको, तीन तीन तो है, पांच पांच है, सात सात है, नौ नहीं है, तो ये फलन नहीं है। फलन क्यों नहीं है, इसमें तीन है इसमें तीन है, इसमें चार है इसमें कहीं चार नहीं है, ये पांच है इसमें पांच है, इसमें छह इसमें कहीं छह नहीं है, इसमें सात इसमें कहीं सात नहीं है, तो ये एक दूसरे संबंध नहीं है। ये और ये y का मान, ये मान और ये मान मैच नहीं हो रहा है, मैच ना होने के कारण ये संबंध में नहीं है। इसको तो ग्राफ, इसको तो कर ले, इसको ग्राफ से करोगे आप लोग, ग्राफ से कैसे करोगे, इसमें एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, इसमें एक तीन पांच, एक तीन पांच, क्या है एक तीन पांच, समझना, एक मिला एक से, एक मिला एक से, दो मिला एक से, दो मिला एक से, दो मिला एक से, तीन मिला तीन से, तीन मिला तीन से, चार मिला तीन से, चार मिला तीन से, पांच मिला पांच से, पांच मिला पांच से। इसका कोई अवयव खाली नहीं है, इसका कोई डबल अवयव, एक अवयव किसी दो अवयव से भी नहीं मिल रहा है, तो ये फलन है। तो हम लोग कहेंगे ये फलन नहीं है और ये फलन है हमारे पास, ये फलन है। इसको देखो ग्राफ से, जब इसको ग्राफ से देखेंगे इसको, तो हमारे पास R3 को देख रही है, R3 को एक तीन पांच, एक तीन पांच, एक तीन पांच सात, एक तीन पांच सात, देखो एक मिलेगा एक से, एक मिला एक से, एक मिला तीन से, एक मिला तीन से, आगे करने की जरूरत नहीं है, आगे करने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर देना, हम तो यहीं पे लिख दे रहे फलन नहीं है, हम तो यहीं पे लिख दे रहे फलन नहीं है, ठीक, तो ये फलन नहीं है। इसके बाद समझना आप लोग, प्रांत का अवयव परिसर में होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि प्रांत के एक अवयव कई कभी कई अवयव का मतलब अवयव हो। चौथा नंबर, एक दो चार पांच तीन, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, तीन पांच सात नौ एक, यानी एक तीन पांच सात नौ, एक तीन पांच सात नौ,
एक मिला तीन से, दो को पांच से मिलाओ, दो का अभी अब पांच है, चार का प्रतिबिंब सात है, पांच का प्रतिबिंब नौ है, तीन का प्रतिबिंब एक है, इसका कोई अभी अब खाली नहीं है, ये फलन है। आया मजा? ऐसे ही मजा आता रहेगा। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर आ गया। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या साथ साथ हल भी करते चलिएगा तो मजा और आता जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे के बाद क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथे में ये है कि x, y बिलोंग्स एक दो तीन चार, ठीक। इसके बाद R1 में ये है x, y, चलो छोड़ो सब, हम लिख रहे हैं x plus y is greater than 4। ये कह रहा है कौन दिए गए समुच्चय पर फलन है, x, y दोनों का मान ही एक दो तीन चार है, ये फलन है। देखो थोड़ा सॉल्व करो उसको, x का मान हमने एक ले लिया, y का मान भी एक ले लिया और इज ग्रेटर देन चार आ गया, तो 2 is greater than 4, ये है, इन्होंने कहा 2 is greater than 4। शुरुआत में ही गलत हो गया क्या, 2 बड़ा है 4 से, नहीं है तो फलन नहीं है, लिख देना फलन नहीं है, यहीं पे काम खत्म करो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है और सॉल्व करने की जरूरत है क्या, फलन है नहीं। R2 में ये कह रहा है बॉय इज लेस देन एक्स, दोनों ही बिलोंग्स कर रहा है, तो वाई का मान अगर एक लेंगे तो एक्स का मान भी एक ही लेना पड़ेगा, तो एक एक से अधिक थोड़ी ना है, बराबर है, फलन नहीं है, फलन नहीं है। R3 का मान हो गया हमारे पास x plus y is equals 5। देखो मान लो कि x का मान आप लोग एक लोगे, ठीक, x का मान एक लोगे तो y का मान, समझना, x का मान एक तो y का मान चार, x का मान दो तो y का मान तीन, ऐसे ले सकते हो, तो पांच आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसमें अगर आप लोग कहोगे कि x का मान एक तो y का मान एक क्यों लिया, चलो x का मान अगर y का मान आप लोग दो लेते हो, क्योंकि पहले वाले x का ही मान लोगे, पहले वाले मान को x ही लोगे, तो देखो यहां पर अगर y का मान दो लेते हो तो x का मान एक लोगे, तो यहां पर फलन नहीं है, अगर y का मान तीन है तो x का मान दो ही लोगे, पहले वाले को x का ही मान लेना पड़ेगा। इसमें अगर आप लोग कहोगे दोनों बराबर लिया तो दोनों बराबर मत लो, x का मान अगर एक लोगे तो y का मान फिर दो ही लोगे, तो भी बराबर, देखो चार से कम है। अब हाँ यहां पर आके भले हो जाए तो एक से क्या फर्क पड़ता है, सभी का मान होना चाहिए बराबर। और यहां पर देखो 1, 4, 5, 3, 2, 5 बराबर है, तुम लोग कहेंगे फलन है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर पांच में ये है, क्या निम्नलिखित फलन संबंध है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। देखो R का मान हमारे पास ये है 2.3, 1/2.0, इसके बाद 2.7, -4.6, इन्होंने कहा फलन है कि नहीं है और कारण भी बताइए, इतना तो सीख गए हो आप लोग, कारण भी बता दोगे। देखो बनाओ ग्राफ, प्रांत परिसर, प्रांत में देखो 2, 1/2, 2, 4, यानी 1/2, फिर 2, फिर -4,
फिर इसमें है 3076, तो 0367, 2 को मिलाओ 3 से, 2 को मिला 3 से, यानी 2 का अभी अब 3 है, 2 का प्रतिम 3 है, 1 बटे 2 का प्रतिम 0 है, 1 बटे 2 का प्रतिम 0 है, माइनस 4 का प्रतिम 6 है, फिर 2 का प्रतिम 7 है। देखो इधर डबल नहीं होना चाहिए, 2 अकेले इसका प्रतिम कैसे बना सकता है, नहीं बना सकता है, फलन नहीं है, फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रांत के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते हैं, प्रांत का दो प्रतिबिंब परिसर में आ रहा है तो नहीं होना चाहिए ऐसा, इसलिए फलन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रत्येक संबंध को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में व्यक्त कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि वह फलन है अथवा नहीं है। तो ये तो आप लोग अब सीख चुके हो, कर लोगे, फलन है कि नहीं है, ग्राफ बना बना के देख लीजिए कि फलन है कि नहीं है। ठीक, तो आई होप शायद आप लोग कर सकते हो। फिर भी देखो एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, उम्मीद तो है पूरा आप लोग कर लोगे, फिर भी एक क्वेश्चन बताते हैं आपको, ना आए तो पार्ट इसके बाद 2.4 जब करेंगे उससे पहले कमेंट सेक्शन में डाल देना, कमेंट प्रोवाइड तो करना ही है। fx बराबर हमारे पास, चलो y बराबर 3x है, y बराबर 3x है, इसके बाद x belongs to 1, 2, 3, x belongs कर रहा है 1 से 2 से 3 से, x का संबंध 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, y belongs कर रहा है 3, 6, 9, 12, y belongs कर रहा है 3, 6, 9, 12। अब फलन है कि नहीं है, देखो समझना, सबसे पहले x का मान, y बराबर x का मान अगर 1 रखोगे तो 3 × 1 अर्थात 3, परफेक्टली परफेक्ट। y का मान अगर 2 रखो, x का मान 2 रखोगे तो 6, और x का मान अगर 3 रखोगे तो 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, परफेक्ट है। मतलब अगर इसको ग्राफ में दर्शाएंगे तो 1, 2, 3, और इसमें दर्शाएंगे तो 3, 6, 9, 12, इसका 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 बना, इधर खाली है, फर्क नहीं है, इधर खाली नहीं होना चाहिए और इधर एक एक होना चाहिए, फलन है, फलन है। ठीक, ऐसे कर लेना आप लोग। सातवां देखो, सातवां में ये है कि f बराबर 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 0, -1, 0, -1, -1, -3, -1, -3, z से z में एक रैखिक फलन है fx ज्ञात कीजिए। अब रैखिक फलन है fx हमसे ये पूछ रहा है। अब देखो fx बराबर हम लोग पूछ रहा है, तो fx बराबर हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे जान, तो fx बराबर हम लोग लेंगे 2x-1। देखो सब में दो गुणा का एक अंतर है, ये x, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y, ये x, ये y। अब समझना, 2 को इसको हल करेंगे ये आना चाहिए, इसको हल करेंगे ये आना चाहिए, इसको लेंगे इसको आना चाहिए, इसको लेंगे इसको आना चाहिए, तो आ रहा है कि नहीं, 2 × 1 - 1, 2 × 1 = 2, घटकर 1, देखो आ गया, परफेक्ट है। इसके बाद 2 × 2 - 1, 2 × 2 = 4, -1 अर्थात 3 आ गया, इसको ले लोगे, 2 × 0 - 1 अर्थात 0 - 1 अर्थात -1 आ गया, इसको ले लो, 2 × -1 - 1 = -2 - 1 = -3 आ गया, यानी हमारे पास ये परफेक्ट है। तो fx का मान क्या हो जाएगा, 2x - 1, fx का मान क्या हो जाएगा, 2x - 1। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित फलनों क्रमित युग्मों के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों इसमें भी क्रमित युग्म पूछा गया था, क्रमित युग्म को मतलब जोड़ा, क्रमित युग्म बना लोगे आप लोग, 1, 3, 2, 6 और इसका 3, 9, क्रमित युग्म ऐसे बनाओगे, क्रमित युग्म मतलब जोड़ा, तो लोग सीख गए थे प्रश्न 2.2 में जोड़ा। क्रमित युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और तथा उनका परिसर भी ज्ञात कीजिए।
देखो इन्होंने क्या कहा, क्रमित युग्म के रूप में हमें व्यक्त करना है और उसका परिसर भी ज्ञात करना है। तो इन्होंने पहला आठवां, देखो क्या दिया है आठवां में, ये है कि यफ सच दैट ए टेंस टू आर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन और ए बराबर माइनस एक जीरो दो चार। देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर ये वाला मान x के रूप में ले रहे, इसको क्या कर रहे y का रूप हो जाएगा, तो माइनस वन ले रहे, तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन अर्थात वन प्लस वन अर्थात हो जाएगा टू। अगर जीरो ले रहे हम लोग, पहले हम लोग x बराबर वन लिया माइनस, अब की बार x बराबर जीरो ले रहे, तो हमारे पास यहां मान रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर प्लस वन अर्थात वन, अब की बार x बराबर दो ले रहे तो यह हो जाएगा दो का वर्ग प्लस एक अर्थात दो दूनी चार और एक पांच, अब की बार हम लोग क्या ले रहे हैं दो के बाद चार ले रहे हैं, तो x बराबर जब चार लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा चार का वर्ग प्लस एक, चार चौको सोलह और एक सत्रह, चार चौको सोलह और एक सत्रह। अब ध्यान समझना इसको, इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, जो हमारे पास इसको लिखेंगे कैसे देखना, क्रमित युग्म के रूप में लिखना हमें, इसको जब क्रमित युग्म के रूप में लिखेंगे, क्रमित युग्म में पहले क्या लिखेंगे हम लोग माइनस एक और दो, माइनस एक कॉमा दो ये लिखेंगे, माइनस एक कॉमा दो जीरो कॉमा एक, जीरो कॉमा एक फिर दो कॉमा पांच, दो कॉमा पांच चार कॉमा सत्रह, चार कॉमा सत्रह दो कॉमा पांच चार कॉमा सत्रह। अब हम लोग इसको और कैसे लिख सकते जानते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, हमारे पास एक दो पांच सत्रह आया था, तो एक दो पांच सत्रह कैसे, ये एक दो पांच सत्रह, एक दो पांच सत्रह तो आया, रुक जाओ रुक जाओ, आपके पास एक दो पांच ये एक और ये बड़ा दो लिखेंगे, आगे पीछे लिखते हैं सिरे से लिखते, ये दो नहीं ये दो, जो हमारे पास y का मान आया है ना, तो एक दो पांच सत्रह ये मान, और ये हमारे पास हो गया क्रमित युग्म, ये बन गया हमारे पास क्रमित युग्म। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर नौ, क्वेश्चन नंबर नौ सुपर नौ, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है वो नौ, जो क्वेश्चन नंबर नौ है, क्वेश्चन नंबर नौ में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नौ में आपके पास ये दिया गया है कि एफ सच दैट आर रिलेशन, आर का रिलेशन आर से है, इसके बाद एफ एक्स का मान हमारे पास क्या है, एफ एक्स का मान हमारे पास है वन माइनस वन, एक्स बिलोंग्स क्यू, एक्स नॉट बिलोंग्स क्यू, ये दिया गया है। निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात कीजिए, ए पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि एफ वन बाई टू को ज्ञात कीजिए, इसी में एफ पाई को भी ज्ञात कीजिए और इसी में ही एफ रूट टू को भी ज्ञात कीजिए, बी पार्ट में एफ का परिसर ज्ञात कीजिए, एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। अब समझना, सबसे पहले ये हमारे पास मान दिया गया है, ठीक, एफ वन बाई टू, अच्छा क्यू का मतलब जानते हो आप लोग, क्यू का मतलब हम लोग सबसे पहले 1.1 पढ़ा दिया, 1.1 को जरूर देखिए, 1.1 में आपको क्यू का मतलब, आर का मतलब, एन का मतलब, जेड का मतलब, सी का मतलब, सभी का मतलब हमने बता दिया, आई का मतलब, सब का मतलब बता दिया हमने, तो वहां पर फिर से बता देते आप लोग, वही R tends to R, मतलब R relation R में है, R relation R का मतलब हो गया वास्तविक संख्या, X और belongs to Q, Q का मतलब क्या होता है परिमेय संख्या,
क्यू का मतलब क्या होता है कि परमेय संख्या। अब परमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, उसे परमेय संख्या कहते हम लोग। तो ये क्या है, एक बटे दो एक परमेय संख्या है। तो एफ वन बाई टू का मान क्या हो जाएगा, एक, क्योंकि ये परमेय संख्या है। वन बाई टू यानी एक बटे दो क्या है, परमेय संख्या है, और ये x जो है ये बिलोंग्स कर रहा है परिमेय संख्या से, तो उसका मान क्या हो जाएगा, एक। इसके बाद आपसे पूछ रहा है f पाई, आपको पता है पाई एक अपरिमेय संख्या है, और ये कह रहा है कि x परिमेय संख्या नहीं है, मतलब यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है, उसके लिए हमारे पास हो जाएगा माइनस वन। यहाँ पर आपको पता है अंडर रूट दो भी एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका मान भी आपके पास हो जाएगा माइनस वन। तो हमारे पास ये हो गया हमारे पास इसके लिए आंसर। परिसर ज्ञात कीजिए, f का परिसर, f का परिसर जानते हो, f का परिसर लिख देना यहाँ पर, आपका परिसर, परिसर जो भी हम लोग आंसर फाइंड आउट करते हैं, जो भी आंसर हमें मिलता है वो हमारा परिसर कहलाता है। मतलब देखो यहाँ पर आंसर, दो आंसर मिला हमें, एक हमारे पास x बिलोंग्स कर रहा है परिमेय संख्या से, उसके लिए आंसर हमारे पास एक है, और एक परिमेय संख्या से बिलोंग्स कर रहा है तो उसके लिए माइनस एक है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, एक कोमा माइनस एक, ये हमारे पास परिसर के लिए हो गया। तो ये हमारे पास ए पार्ट के लिए आंसर हो गया, ये हमारे लिए बी पार्ट के लिए आंसर हो गया, एक कोमा माइनस एक, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, उससे पहले एश एश स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमसे सभी से परिसर पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि परिसर ज्ञात करो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। 10, 10 का ए पार्ट, यप F such that R belongs to R and it tends to R and relation कहोगे इसको, फिर fx बराबर x square, इसी में ही है fx बराबर x square। परिसर ज्ञात करना, ध्यान रखना कि R belongs to R, R का मतलब क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में लोग जानते हैं कि आप लोगों को, हमने इसलिए बार बार कह रहे हैं कि 1.1 को पढ़ लीजिए, ये तो मजा नहीं आएगा। ये क्या होता है कि x is greater than 0, ये होता है, या आप लोग कह सकते हो कि fx is greater, मतलब x का मान जो है वो 0 से अधिक होता है, ठीक। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर x के जगह क्या है, x square है, तो हम लोग लिखेंगे x square is greater than 0, इसको हटाएंगे रूट चाहेंगे तो 0 पर रूट का कोई महत्व नहीं होता, तो x is greater than 0। तो हम लोग परिसर के बारे में क्या कह सकते हैं, सबसे पहले प्रांत के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग, प्रांत, x क्या होता है प्रांत, y क्या होता है परिसर। तो आप समझना प्रांत के बारे में आप लोग क्या कह सकते हो, प्रांत के बारे में आप लोग कहोगे, समझना पहले, x जो है वो 0 से अधिक है, 0 से अधिक का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5, एक्स का मान जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, जो कि क्या हमारे पास प्रांत है। तो इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर होगा 1 से कम, 2 से कम, 3 से कम, मतलब कम वाले, यानी 0 से कम संख्या, 0 से कम संख्या मतलब माइनस की संख्या। तो हम लोग कहेंगे ऋणेतर वास्तविक संख्या, क्या कहोगे हम लोग, ऋणेतर वास्तविक संख्या, माइनस वाली संख्या जो भी है, वो 0 से छोटी संख्या क्या होती है, माइनस में होती है। बी पार्ट में ये कहा कि जी सच दैट आर, रिलेशन आर में है, इसके बाद जी एक्स बराबर साइन एक्स, जी एक्स बराबर साइन एक्स। अब ध्यान देना कि जी एक्स बराबर साइन एक्स है हमारे पास, तो हम लिखेंगे कि साइन एक्स इस, सबसे पहले एक चीज तो याद रख लेना कि साइन एक्स का जो परिसर होता है, इसको याद रख लेना आप लोग, साइन एक्स का परिसर एक कोमा माइनस एक, ये होता है साइन एक्स का परिसर। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हम लोग जीरो लेते हैं इसको, ठीक, इज ग्रेटर देन जीरो तो लेंगे, तो साइन एक्स बराबर इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो को लिख सकते हैं साइन जीरो,
क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन जीरो का मान जीरो ही होता है, साइन से साइन कैंसिल, तो यक्स इज ग्रेटर देन क्या बना, जीरो। तो यक्स का जो मान है वो जीरो से अधिक है, यक्स का मान जीरो से अधिक है। अब समझना, यहाँ पर आपका जो परिसर होगा, यहाँ पर परिसर क्या लोगे आप लोग, समझना, यक्स का जो मान है वो जीरो से अधिक है या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन एक से कम है या उसके बराबर हो सकता है, समझना सबसे पहले आप लोग। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि यक्स जो है वो जीरो से अधिक है, समझना, यक्स जो है वो किससे अधिक है, जीरो से अधिक है। तो मतलब जीरो से अधिक है तो वन हो सकता है, वो क्या हो सकता है, वन हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। और जीरो के इन्होंने ये कहा था, समझना फिर से एक बार, यहां पर ले लो माइनस वन, एक्स जो है इससे अधिक है, जीरो से अधिक है ना, तो एक्स जो है माइनस वन से अधिक है लेकिन प्लस वन से कम है, या माइनस वन के बराबर है या प्लस वन के बराबर है। मतलब आप लोग ध्यान रखना कि साइन एक्स का परिसर, साइन एक्स का परिसर होता है आपके पास एक माइनस एक, साइन एक्स का परिसर क्या होता है, एक माइनस एक। उसको लिखने का तरीका इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, उसको लिखते कैसे, इस प्रकार से, और प्रांत में हम लोग पाई बाई टू कॉमा माइनस पाई बाई टू लेते हैं हम लोग, परिसर में एक कॉमा माइनस एक और प्रांत में पाई बाई टू कॉमा माइनस पाई बाई टू, ठीक, ये ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद सी पार्ट, सी पार्ट में एच such that R belongs, R मतलब इसको belongs भी पढ़ सकते हो, tense भी पढ़ सकते हो, relation पढ़ सकते हो, ये इसका मतलब relation होता है, ठीक, relation H, वैसे belongs का प्रतीक अभी दिखाया था हमने, belongs इस प्रकार से प्रतीक होता है, इसको belongs पढ़ते हैं, H X, H X बराबर X square plus 1, यक्स स्क्वायर प्लस वन। अब समझना एच एक्स बराबर हमारे पास क्या है, यक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर इसको कैसे लिखोगे, तो यक्स स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, तो यक्स बराबर आप लोग क्या लिखोगे, यक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस वन हो जाएगा, इसको उधर भेजोगे तो माइनस वन ही तो होगा। अब एक चीज ध्यान समझना आप लोग, इसको जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, यानी यक्स का जो मान है, यक्स का जो मान है इसको हटाओगे रूट चढ़ाओगे तो माइनस वन का रूट पता है कितना था, आई होता है, आयोटा इसे कहते हैं, वो तो हम लोग 5.1 पढ़ चुके हैं। तो यहां पर लगभग यक्स का जो मान है वो या तो वन से कम है, यक्स का मान वन से कम है या उसके बराबर है, यक्स का मान वन से कम है या उसके बराबर है, और यही इसका परिसर है। इसका परिसर क्या है, इसका परिसर जो है वो यानी वन से कम है, तो मतलब माइनस वन से अधिक है, समझना फिर से एक बार, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया हमारे पास, माइनस वन आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन आ गया, तो इसको रूट चढ़ाओगे तो यही पर क्या बनेगा, इसको हटाओगे रूट चढ़ाओगे तो माइनस वन का रूट क्या होता है, आयोटा होता है, तो इसको रूट नहीं चढ़ा रहे हम लोग, यही पर हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, यानी लगभग एक्स का जो मान है, लगभग एक्स का मान जो है यही से देख लो कि जब ये माइनस वन है तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का मान एक से अधिक है, एक्स का मान एक से अधिक है, क्योंकि यहां पर माइनस वन से अधिक है, मतलब एक से अधिक है या एक के बराबर है। थोड़ा सा फिर से समझ लो, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, एक्स का मान एक से अधिक है तो हो सकता है एक्स का मान जीरो हो सकता है एक्स का मान एक हो सकता है एक्स का मान दो हो, ऐसे तो वही लिखा गया है, एक्स का मान एक के बराबर हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, जीरो को यहाँ पर फाइंड नहीं कर रहे, जीरो को नहीं लिख रहे, वही पर यहाँ पर एक्स का मान जीरो से अधिक है, जीरो से अधिक है तो मतलब एक्स का मान, देखो यहाँ पर देखो जीरो से अधिक तो माइनस वन से हमने अधिक कर दिया, ठीक, या माइनस वन पर रख लिया, यहां से देखो वन से जिधर मुंह खुला होता है वही बड़ा होता है, तो इधर देखो वन से अधिक कर दिया, इधर माइनस वन से अधिक कर दिया, मतलब समझना एक्स का मान यहां पर भी क्या हो सकता है, एक्स का मान यहां पर एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, तो यहां पर भी वही है, ठीक,
बाद में इसका परिसर कराओगे, माइनस एक का माइनस वन ही कराओगे इसको, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये भी हो गया आपके पास, ठीक, दस खत्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे ये है कि a बराबर 1, 2 और b में 3, 6। तो दो फलन या सच दैट a टेंस a रिलेशन b और g सच दैट a रिलेशन b का मतलब निम्नलिखित विभाजित हैं, f(x)(x²+2) और gx बराबर 3x है। तो ज्ञात कीजिए कि क्या f बराबर g, ये कह रहा है क्या f बराबर g है, ये जरा बताओ आप लोग। तो सबसे पहले f और g को बराबर करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x²+2 और 3x, इन दोनों को बराबर कर लिया, इन दोनों को बराबर करके चेक कर रहे हैं हम लोग, इसको उठा के पक्षांतर करके लाओ तो x²-3x+2 बराबर, उधर कुछ नहीं बचा, 0, गुण खंड कर लो, x²(2, 2x-x+2)0, इन दोनों में कॉमन ले लो तो x-2 और -1 कॉमन है तो x-2 = 0, दोनों में हो जाएगा x-2 और x-1 = 0, पता तो है गुणनखंड करने पर क्या आ जाएगा, x = 1, 2। देखो 1, 2 आ रहा है, x = 1, 2 आ रहा है, समझना आप लोग। यहां पर आप लोग अगर तीन जहां है, ये देखो तीन है, तीन में अगर एक रखते हो तो 3 × 3, अगर दो रखते हो तो 3 × 2 = 6, परफेक्ट है। यहां पर समझना, यहां पर अगर एक रखते हो तो 1 का स्क्वायर 1 + 2, 2 और 1 = 3, और अगर 2 रखते हो 2 × 4 और 2 = 6, दोनों में मान परफेक्ट है, रख के देख लीजिए। तो हम लोग कहेंगे f बराबर g है, इसमें बराबर है, ठीक। 11 के बाद देखो 12 नंबर में ये है, दो फलन f such that r में है 2 और रिलेशन r, ठीक है, g such that r कमसन निम्नलिखित फलन है, f(x)(x²-4/x+2) और gx बराबर x प्लस दो। ये कह रहा है क्या f बराबर g है, इसमें भी ये ही कह रहे हैं कि क्या f बराबर g है, इसको जरा बताओ। तो दोनों को बराबर कर लो, दोनों को बराबर करेंगे तो x²-4/x+2 = x+2, इसमें वर्गांतर लगा देंगे तो एक कोष्टक में देखो इसको लिख सकते हैं का स्क्वायर और बटे x प्लस दो, ठीक, बटे है x + 2 = x + 2, इसमें वर्गांतर लगा देंगे तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में x + 2 और 1 - x - 2 = x + 2, इससे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास समझना, नीचे x - 2 है, यहां पर भी x - 2 है, यहां पर भी x - 2 है, तो यहां पर x - 2 करो तो यहां पर x + 2 करो, तो x + 2 = x + 2, ये देख के बराबर मत कह देना, ये x + 2 = x + 2 हुआ, अगर फ्रेम में नहीं आया तो सुन लो, केवल x + 2 = x + 2 लिखा है, ठीक है, तो x + 2 + 2 देख के बराबर मत कर देना, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा आंसर जीरो हो गया, x क्योंकि कुछ भी करने वाला है नहीं, क्योंकि इसका आगे कोई हल ही नहीं है, आगे कोई हल नहीं है। तो हम लोग कहेंगे f is not equal to g, f और g आपस में बराबर नहीं है। सवाल नंबर आखिरी 13 सवाल नंबर, देखो 13 नंबर सवाल में यह है, वह डोमेन ज्ञात कीजिए जिसमें f(x)बराबर, डोमेन ज्ञात करोगे आप लोग, डोमेन का मतलब जानते हो, डोमेन रेंज यानी प्रांत परिसर, प्रांत को डोमेन कहते हैं अंग्रेजी में। डोमेन ज्ञात कीजिए f(x)बराबर 1 - 3x
एफ एक्स बराबर वन माइनस थ्री एक्स और जी एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, जी एक्स बराबर टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एफ एक्स बराबर जी एक्स समान समान हैं, दो समान हैं तब ज्ञात करना है, दोनों समान है तो हम लोग कहेंगे f बराबर g समान होने पर। जब f बराबर g करेंगे तो इसका मान हो गया, पहले g का मान लिख रहे हैं, आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस 3x, इन दोनों को उठाकर इधर पश्चिम तक करो तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस एक बराबर 0। ठीक, अब ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर लिखेंगे हम लोग और माइ प्लस तीन एक्स को प्लस तीन एक्स माइनस दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, चार का ऐसा गुणनखंड करोगे जोड़ने घटाने पर एक आ जाए, तो थोड़ा सा इसको हम लोग रेस करते हैं, थोड़ा सा रेस करते हैं। देखो तो ये हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर प्लस चार, दो दूनी चार आ रहा है तो चार एकम चार, तो चार एक्स माइनस एक्स माइनस दो बराबर जीरो, उधर बराबर जीरो है, इसमें दो एक्स और इसमें एक कॉमन हो गया, तो दो एक्स जब कॉमन लोगे तो एक्स प्लस दो बचेगा और माइनस एक कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा एक्स प्लस दो बराबर जीरो, एक कोष्टक में एक्स प्लस दो और एक कोष्टक में दो एक्स माइनस एक बराबर जीरो। जब जब करोगे आप लोग तो एक्स बराबर दो प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस दो, और इसमें देखो प्लस माइनस में है तो प्लस में जाएगा तो एक्स बराबर आपका आ गया एक बटे दो, तो यही आंसर हो गया माइनस दो कमा एक बटे दो प्लस में, और ये हमारे पास क्या हो गया डोमेन, ये हमारे पास क्या हो गया डोमेन। एक चीज समझना आप लोग, ये जो सवाल है इस सवाल को आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इस सवाल में बाकी के सब यानी x का मान जो है ना, x का मान जैसे आप लोगों को कंफर्म डाउट नहीं हो, मतलब कुछ डाउट हो रहा है कि आखिर ये माइनस वन स्क्वायर कहाँ गया, हमने मान लिया इसमें मान लिया कि x का मान माइनस वन है, x का मान माइनस वन है तब x का जो मान होगा वो एक से माइनस वन से अधिक है, तो मतलब एक के बराबर या एक से अधिक, माइनस वन से अधिक मतलब माइनस वन के तो बराबर नहीं लेंगे हम लोग, उससे अधिक लेंगे, तो उससे अधिक ले लिया एक दो तीन चार, ठीक ऐसे। अब एक चीज समझना आप लोग कि हम लोगों ने 2.3 को कंप्लीटली खत्म कर लिया है, अब आपको जो भी एक्सरसाइज का वीडियो चाहिए फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और कोई भी क्वेश्चन आपको रह जाता है तो उसको आप लोग प्रोवाइड करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। आप लोग उससे पहले नेक्स्ट जैसे 2.4 या 2.5 स्टार्ट होने से पहले ही आप लोग पीछे को भी क्वेश्चन अगर आप लोग को रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसको जरूर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। अब इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।